उसको उन्होंने दलित बना करके मेरे यहाँ चुनाव लड़ाया आम आदमी पार्टी को टिकट पे, और उसकी कभी 600 में फालतू वोट नहीं आई। एक जो जाट को उसको फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, और उसको जो है ना यहाँ आम आदमी पार्टी से उसको बनाया गया। वो तो विधायक जी, वो तो पंचायत इनके पास तो दलित भी मामला कोई, वो एक बार फर्जी दलित को ले आए नहीं, वो एक बार जिला परिषद का मेंबर बन चुके हैं। जिला परिषद का मेंबर भी वैसे बन गया, जैसे एमएलए का चुनाव हमारे यहाँ लड़ लिया। चमेली में तो ऐतराज किया था, उसने नॉमिनेशन हो गया था, उसके सारे नॉमिनेशन पिछली बार रद्द कर दिए। हाँ, रद्द हुआ था उसका पिछली बार 2016 में, उसके रद्द कर दिए। डागर साहब, आप पूर्व विधायक उदयवान जी ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप फर्जी कागजातों के सहारे आरक्षित वार्ड में या आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, और अब नगर परिषद पलवल के चुनाव के लिए भी आप दावेदारी ठोक रहे हैं। अग्रणी पत्रकार महोदय नमस्कार। अभी मुझे कुछ समय पहले ही पता चला है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलवल में उदयवान जी ने मेरे ऊपर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए। उदयवान जी को खुद को पता है, उन्होंने मेरे खिलाफ़ खुद ने हाई कोर्ट में रिट पटिशन की थी, जहां मुझे सही पाया गया है। और उदयवान जी खुद बताएं, क्या हिंदुस्तान में एडॉप्ट नहीं हो सकता कोई बच्चा किसी को? किसी को कोई बच्चा एडॉप्ट करना कोई पाप है या गलत है? उदयवान जी जाति पाति की राजनीति करते हैं, मुझे जाति पाति की राजनीति करने में कोई विश्वास नहीं है। वो खुद अपने आप को दलितों का बहुत बड़ा सहनशाह नेता समझते हैं, जो ऐसा कुछ है नहीं, वरना तो अभी चुनाव भी जीत जाते। नहीं, उन्होंने आज स्पष्ट तौर पे कहा कि करण सिंह डागर एक जाट हैं, और जाट होने के बावजूद भी आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने के प्रयास करते हैं। ये बात और फर्जी कागजात के सारे, मेरा कोई भी एक भी फर्जी कागजात नहीं है। मेरा बाकायदा एडोप्टेशन बचपन में जब हुआ है तो वो रिटर्न में लिखित में हुआ है, और मेरा हर डॉक्यूमेंट ऑर्गन और अधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया कागज है। और मैं तो बचपन में, मुझे तो खुद को पता नहीं था एडोप्टेशन क्या होता है। मैं तो खुद को दलित मानता हूँ, दलित ही हूँ। और उदयवान जी अपने आप को पता नहीं क्या उनकी क्या सोच है, क्या संकीर्णता है, ये वो जाने। बाकी वो मेरे से इतना तो मुझे पता चल गया, अब उदयवान जी मेरे से डरने तो लगे हैं चुनाव के दौरान। आपने इससे पहले भी कभी चुनाव लड़ा है कोई? हाँ बिल्कुल, मैं जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ वार्ड नंबर 11 फरीदाबाद से, और आरक्षित सीट से मैं जिला पार्षद रहा हूँ। तब भी विरोध हुआ था क्या आपका? हाँ तब भी विरोध हुआ था, जब मेरे जो विरोधी जो कैंडिडेट थे वो कोर्ट गए थे, कोर्ट ने मुझे जिताया। और उदयवान जी ने, अभी मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था 2019 में आम आदमी पार्टी से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है होडल विधानसभा से, तो भी उन्होंने मेरा विरोध किया था, बाकायदा अपना वकील खड़ा किया था, जिसमें मुझे सही पाया गया, कैंडिडेट माना चुनाव आयोग ने। तो उदयवान जी इस तरह की जाति पाति की राजनीति करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं, और मैं जाति पाति की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। जिला परिषद की चेयरपर्सन रही हैं, उन्होंने भी आपके खिलाफ कंप्लेंट की थी। नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ पाए थे? नहीं, उसमें एक कारण था, जिला परिषद में मैंने चमेली देवी सोलंकी जी ने की थी, वो गलत बात है। चमेली ने मेरे खिलाफ किसी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं करी, और बल्कि सही बात ये थी कि उस वक्त हमारी भाईचारे में आपस में गांव में लड़ाई झगड़े के दौरान एक साल की कन्वेक्शन मेरी हो गई थी एक लड़ाई में, दो पार्टियों में, तो उसके बाद में बरी हो गया। मैं जिस वक्त कन्विक्टेड था इसलिए मेरा चुनाव रद्द हुआ था, यानी कि वो जातीय प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं हुआ। ये सब इनकी मनगढ़ंत और बेकार की बात है। मैं दलित हूँ, दलित सीट पर ही चुनाव लड़ता हूँ, और उदयवान जी अपने दिमाग से कोई फितूर है उसको निकाल देंगे, चुनाव लड़ूंगा, ठोक के लड़ूंगा, भाइयों के बीच में लड़ूंगा।